नमस्कार किसान भाई, किसान भाई मैं हरीश चौधरी आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देश का देसी किसान में। किसान भाइयों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किसान भाई अगर से आप लोग सितंबर के महीने में अपने खेत में कोई भी फसल लगाना चाहते हैं और आपका जो है बजट बहुत कम है, यानी कि आपका लागत बहुत कम है, फिर भी अगर से आप लोग सितंबर के महीने में खेती करने को सोच रहे हैं तो किसान भाइयों आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पांच ऐसे फसल के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोग सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। बहुत कम ही बजट में लगा के इस फसल को 50 से 60 दिन में आप लोग बहुत अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर से आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल पर अभी तक पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरीके से खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए। तो जिसमें एक फसल ऐसा होगा जिसका मतलब टाइम भी मतलब लगभग 100 दिन में तैयार होगा, बाकी जो चार फसल होंगे वो मतलब 50 से 60 दिन में तैयार हो जाएंगे और बहुत ही कम लागत में लगाई जाने वाली वो चार फसल होंगे। मैं पांच फसल को इसलिए रखा हूं क्योंकि किसान भाइयों ये मतलब सितंबर के महीने में ये भी फसल लगाया जाता है और इससे भी बहुत अच्छा खासा मुनाफा होता है। इसमें मतलब लागत थोड़ा बहुत लगता है, ज़्यादा लगता है उन चारों फसलों की अपेक्षा में। तो किसान भाइयों, मैं अपने वीडियो को शुरू कर रहा हूँ और बताता हूँ कि पहले नंबर पर आप लोग सितंबर के महीने में अपने खेत में कौन सा फसल लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पर आप लोग सितंबर के महीने में अगर से अपने खेत में कोई फसल लगाना चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं पालक को। किसान भाई, अगर से आप लोग सितंबर के महीने में अपने खेत में पालक लगाते हैं या पालक आप लोग किसी भी वर्ष मतलब वर्ष के किसी भी समय पर अपने खेत में लगाते हैं तो इसमें लागत बहुत कम होता है। बाकी जो सितंबर का महीना होता है पालक के लिए बहुत ही मतलब अच्छा महीना होता है। अगर से आप लोग सितंबर के महीने में अपने खेत में पालक लगाते हैं तो आपका पालक जो है बहुत अच्छा खासा मंडी भाव दे के जाएगा, जिससे कि आप लोग को बहुत कम ही लागत में लगाई गई फसल में बहुत अच्छा खासा आप लोग को प्रॉफिट आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई, आप लोग पहले नंबर पे सितंबर के महीने में पालक का खेती कर सकते हैं। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो किसान भाई, दूसरे नंबर पे आप लोग सितंबर के महीने में धनिया का बुवाई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत कम ही लागत में आप लोग को धनिया का बुवाई हो जाता है और धनिया का बुवाई करके आप लोग धनिया के खेती से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जो तीसरे नंबर का फसल है, तो तीसरे नंबर का जो फसल है किसान भाइयों, उसमें आप लोग लगा सकते हैं फूल गोभी या पत्ता गोभी। किसान भाइयों, ये जो फूल गोभी और पत्ता गोभी मैं बताऊं, फूल गोभी का ये समय सीजन होता है जो अक्टूबर मतलब सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, फूल गोभी का सीजन होता है, इसीलिए इसको भी अपने वीडियो में शामिल किया हूं। क्योंकि किसान भाई मतलब अगर से थोड़ा बहुत ज़्यादा भर्ती लगा के और मतलब ये फूल गोभी और पत्ता गोभी का खेती करता है तो फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेती से भी उसको बहुत अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर से आप लोग सितंबर के महीने में फूल गोभी या पत्ता गोभी का खेती करते हैं तो इससे भी आप लोग को बहुत अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, मैं आप लोग को बात करता हूँ चौथे नंबर के, चौथे नंबर का जो खेती होता है वो मतलब होता है मूली का। मूली का खेती अगर से किसान भाई आप लोग सितंबर के महीने में करेंगे तो इसमें जो है बहुत कम ही लागत में आप लोग को बहुत अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और किसान भाइयों, जो पाँचवें नंबर का खेती, पाँचवें नंबर का खेती मतलब बहुत महत्वपूर्ण खेती है। अगर से आप लोग उस खेती को करेंगे तो उसमें आप लोग को मतलब आपका जो है प्रॉफिट होना ही होना है। तो पाँचवें नंबर का जो खेती है वो सोर मेथी का है। किसान भाइयों, अगर से आप लोग सितंबर के महीने में अपने खेत में सोया और मेथी का बुआई कर देते हैं, ये जो आप मतलब पालक बोएंगे उसमें भी यूज होगा सोया मेथी, मतलब लगा के बेचा जाता है पालक में, तो इससे भी आपका मतलब सोया मेथी का मतलब सेलिंग होता रहेगा और मतलब उसका अलग जो बिकता है वो भी मतलब बहुत अच्छा खासा मार्केट में इसका डिमांड होता है और बहुत अच्छे खासे भाव पर मतलब मार्केट में बिकता है और इसका भी लागत बहुत कम होता है। किसान भाइयों, मैं अभी अपने वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि इन फसलों का लागत क्यों कम है और इसका प्रॉफिट कैसे ज़्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों, आप पाँचवें नंबर पे सोया मेथी का मतलब लागत लगा के और सोया मेथी का खेती करके और बहुत अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आप लोग को बताया हूँ अपने वीडियो के माध्यम से पांच ऐसे फसल के बारे में बताया हूँ जिसमें आप लोग बहुत कम ही मतलब लागत लगा के और बहुत अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसमें लागत कैसे बहुत कम लगता है। किसान भाई, ये जो होता है पालक और धनिया, मूली, सोया मेथी, ये सब जो खेती होता है इसमें आप लोग को मार्केट से
बीज लाना होता है और अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करवा के और बहुत थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा बहुत खाद बुआई करके और इसका मतलब बीज अपने खेत में आप लोग बो देंगे। अगर आप लोग के खेत में इसका जमाव अच्छी तरीके से हो जाएगा तो इसमें मतलब इस जो सितंबर के बाद जो महीना होता है उसमें कीड़े मकोड़े कम प्रकोप मतलब इन सब फसलों पर बहुत कम होता है। तो किसान भाई इसमें आप लोग को दवा वगैरह का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, आप लोग को थोड़ा बहुत खाद बो के और जुताई करके और बीज का दाम यानी कि थोड़ा बहुत लागत लगा के और आप लोग को इससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ये जो चार फसल है, बाकी जो गोभी का फसल है जो पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो, अगर से पत्ता गोभी या फूल गोभी जो मैं आप लोग को बताया हूँ इसमें आप लोग को मतलब मार्केट से बीज लाना पड़ता है, इसका मतलब बीज तैयार करना पड़ता है, नर्सरी जो होता है उसको तैयार करना पड़ता है, अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करवानी पड़ती है, फिर आप लोग को गोभी लगाना पड़ता है। गोभी जो मैं पाँचों फसल को बताया उसमें गोभी आप लोग को थोड़ा बहुत कठिन लग सकता है, बाकी जो चारों फसल बताऊँ चारों फसल में से आप लोग आँख बंद करके किसी भी फसल को अपने खेत में लगाएंगे उससे बहुत मतलब आप लोग को बहुत कम ही लागत में आप लोग को बहुत अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों अगर से आप लोग के पास थोड़ा बहुत लागत है तो आप लोग फूल गोभी या पत्ता गोभी का खेती भी कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग को बहुत अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई अगर से आप लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे कि उन लोगों का भी मदद हो सके जो सितंबर के महीने में अपने खेत में कोई फसल लगाना चाहते हैं। और किसान भाई अगर से आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आप लोग को हमारी अगली वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। तो किसान भाइयों मैं आप लोग को मिलता हूँ किसी अगले खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो में। जय हिंद किसान भाइयों।